चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लड़के वालों की तरफ से आई हैं कि जैसे मेहंदी के साथ चूड़ियाँ भी आई हैं, ये चूड़ियाँ आएगी। इसने पूरी प्रैक्टिस हमसे करा रही है कि स्नो आई है तो स्नो कैसे फॉर्म करनी है और पार्टी पॉपर कैसे फोड़ने है। और 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे। मैं मारिया जंगीर अपने चैनल स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पकल का कपल हो जाता है, आपको पता है शादी वाला घर है तो उल्ट पुल्ट भी हो सकती है चीज़ें। तो आज हम जो करेंगे, कुछ कपड़े आ गए हैं जंगीर, उन्हें कुछ कपड़े लेने जाने हैं प्रेस से, वो सारा शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और जो हमारे चैनल पर नए आए वो हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले। जंगीर के कपड़े लेने आए हैं तो उसने कहा सिले ही नहीं है। तो जहांगीर के कपड़े आए कहते सिला नहीं है, कह रहे हैं आपके घर पहुंचा देंगे, आपको इतनी हम फेवर दे सकते हैं। तो मेरे भाई बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने घंटे का टाइम घर वालों से लिया था, हम घंटे में वापस आ रहे हैं। जहांगीर नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आप फोन कर लीजिएगा, वो कह रहे हैं फेवर देंगे कि आपके घर पहुँचा देंगे। देखें दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बड़े। जहांगीर का नया सूट तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ प्रेस होने दिए हुए थे और एक शर्ट वॉश होने दी थी तो वो उठाने आया। हमने कहा वो तो उठाएं हम, कल भी ये इन्होंने अकेले चक्कर लगाया था तो इनको नहीं मिले थे, ये खाने वाला बंदा गया हुआ था, आज इधर आया तो उसने कहा अब दे रहा है निकाल के। उसने हमने शक्ल देखी और उसने हमारे फ़ौरन निकाल लिया। कुछ सामान अम्मी के घर में फालतू था वो उठा लाए हैं, और जहांगीर के जो कपड़े बने इस्त्री वगैरह हुए हैं जहांगीर देख रहे हैं। असल में इतना टाइम नहीं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। ये देखें ये कर रहे हैं, भाई के साथ हैं, भाई जरा फ्रेश हो रहे हैं और अब हम वापसी की रवानगी पकड़ेंगे। अब हम घर जा रहे थे तो मैंने कहा अपनी दुल्हन बहन के लिए है ना जूस लेते जाएं, मैंने कहा डेली जूस पिलाना है तो गाजर और किन्नू का जूस उनके लिए भी पैक कराया और अपने लिए भी ले रहे हैं। अब हम तीनों पियेंगे, मेरे भाई और जहांगीर और मैं। और ये देखे बाईपास है, यहाँ पे चौक पे ही है ये रेड़ी, यहीं से हम ले रहे हैं। ये बना रहा है बंदा, इसके पास गन्ने का भी होता है अक्सर, इससे गन्ने का भी लेते हैं। और अब गाजर और किन्नू का हमने कहा मिक्स कर दे और वो हम तीनों पीते हैं, फिर घर जाते हैं। घर बहुत देर हो रही है, सारे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमें उन्होंने एक घंटे का टारगेट दिया था और डेढ़ घंटा होने वाला है, तो फिर कहेंगे कि तुम लोगों ने सारा दिन ज़ाया कर दिया है। तो फिर है और जल्दी जल्दी हमें पी के जाएँ, प्यास बहुत लग गई है क्योंकि आज धूप तेज़ निकली हुई है। ये देखें कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं, ये प्रेस हो के आ गए हैं और ये चूड़ियाँ हैं, ये देखें प्रेस हमने खुद ही की हैं। कपड़े नजर नहीं पड़ती है, चूड़ियाँ लड़के वालों की तरफ से आई हैं कि जैसे मेहंदी के साथ चूड़ियाँ भी आई हैं, ये चूड़ियाँ हैं। हमने कहा सारे चार चार चूड़ियाँ पहन लेंगे, आपके तरफ भी रिवाज है चूड़ियों का। हमने भी अपनी भाभी को, एक भाभी को चूड़ियाँ दी थी ऐसे ही शौक शौक। तो ये देखें कपड़े हैं मेरे प्रेस होके पड़े हैं, तो एक बंदा मोबाइल पकड़ेगा ना तब ये तस्वीरें बन सकेंगी, ऐसे ही है ना, मोबाइल पकड़ेगा तब ये मेरे हैं। ये ब्राइडल ड्रेस भी लटक रहा है और बाकी तो कपड़े हैं ना मेरी आएंगी तो तब। अभी चाय आ गई, मैं चाय पीती हूँ। हो गया तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी, प्रेस हो चुके हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ जो कपड़े हमारे आए हैं। तो ये देखें ये एक सूट है जो जहांगीर ने मुझे दिया है, आपको पता है जहांगीर ने सर्दियों का सूट है ना ये मुझे दिया है। असल में मेरी आंखों का मसला है जिसकी वजह से इधर रखती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ कपड़े। ये देखें ये दूसरा है, ये उसने दिया, साद ने दिया है ये मेरी बर्थडे पे, ये सर्दियों का सूट है, मेरा सर्दियों का सूट आपको पता है इतने नहीं थे तो हो गया है। ये शादी के ओकेजन में किसी भी टाइम पहना जा सकता है, तो ये ब्लैक कलर का सूट है, आपने बताते भी रहना है कि आपको कैसे लगे हैं। ये कॉपर कलर है, मस्टर्ड, ये मस्टर्ड कलर का सूट है, इस्त्री वगैरह करके इनको सेट सूट करके रखे हैं हमने, इनमें से कोई भी पहना जा सकता है। ये कौन सा कलर है? असल में हम स्टोर में खड़े हैं तो थोड़ा सा सामान आपको गिरने की आवाज, हाँ क्योंकि जगह कम है और सामान बहुत ज्यादा है। और ये कौन सा है? ये स्किन कलर है, ये स्किन कलर का सूट है, इसको भी इस्त्री वगैरह करके रखा है, हैंग किया है बस, और बाकी दो सूट इस्त्री हो रहे हैं। तो इस तरह कुछ हमारी शॉपिंग और कुछ ये चीजें हैं, कपड़े वगैरह की सेटिंग और जो पहनने हैं उनकी जरा गिचमिच हुई है सेटिंग के किस तरह पहनने हैं। तो ये कपड़े हुए तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। चूड़ियां भी हैं, चूड़ियां यहाँ पर पड़ी हैं
इन कपड़ों के नीचे। और ये देखें एक और ये सूट है मेरा जो इस्त्री होके अभी आया मेरे हाथ में, तो ये भी ये है, ये मेरे हस्बैंड ने दिया था, मैंने आपको दिखाया था। अब ये हैंग होके आखिर इधर इस पॉइंट पे लगा है, हैं। और जो इस्त्री कर रहे थे मेरे से बार बार मजाक कर रहे थे, ओहो आपका सूट जल गया, क्योंकि उनको पता है कि ना इसके नए सूट है, तो जान जान के ना मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरे घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं परेशान करने के लिए, लेकिन मैं नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह और दे देगा, आप जलाने वाले तो बने। तो इसी तरह ये सारे सूट हैं, इनको रख रही हूँ, और एक खिसक गया नीचे, ये देखे इनको दो खिसक गए, कोई बात नहीं। मेरे इधर ना असल में चूड़ियां दिखानी है, ये चूड़ियां, हाँ इधर थे ना, इधर मैंने कहा मैं वापस रखूं, तब ये देखे ये चूड़ियां हैं लड़के वालों की तरफ से आई है ना, ये लड़के वालों की तरफ से ये चूड़ियां आई हैं। आपने मैंने हेयर से आज मुझे आया पीला जोड़ा चूड़ियां, तो ये चूड़ियां आई हुई हैं वहां से, तो ये सारे पहनेंगे, कोई 6 पहने, कोई 12 पहने, कोई 2 पहने, या कोई इतनी पहने, हम सब लड़कियों ने ये चूड़ियां पहनी है। कुछ बाहर सेटअप भी है, चीजें वगैरह मुकम्मल करने सारे गए हुए हैं, तो जो चीजें लेकर आएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए कि आगे जो जो करेंगे। तो जहांगीर और मैं बाहर से भी होके आ चुके हैं, उनके कपड़े उधर घर रखे, कुछ वलीमे पे पहने थे, वलीमा लाहौर का था इसलिए हमने उधर रख दिए, बाकी है इधर मेरे कुछ सामान है तो उधर कुछ रखते हैं, कुछ इधर अभी मिक्स चल रहा है, तो बाकी आपसे शेयर करते हैं। शादी की तैयारियों के साथ साथ है ना ये साथ चल रहे हैं, चाय के डोज भी चल रहे हैं, चाय बना रही है। अबू ने कहा चाय बना दे, तो चाय बनाने आई हूँ, चाय पीने लगे। जहांगीर मेरी और अबू की ये 3 कप हैं, छोटे छोटे कप रखे हुए ताकि कम पी जाए, क्योंकि बार बार सारे चाय मांग रहे हैं। मेहंदी के सामान आया डिकोर का, जिसमें कुछ चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, जो स्नो लग रही है और भी चीजें हैं, वो लेकर चली भी गई है कुछ मेहंदी की ये चीजें हैं, तो ये भी आ गई है कुछ सामान, कुछ मेहंदी की प्लेट्स हैं, ये इसमें भी हैं, ये देखें ये मेहंदी का कुछ सामान आया खड़ा है। ओपन इट, ओपन इट, ऊपर भी दिखा दे दो, कॉमन कॉमन कॉमन, ये देखें ये भी मेहंदी की प्लेट्स आई खड़ी हैं, ये देखें हैप्पी डेट, प्लेट्स आई खड़ी है जी बेटा। तो अभी यहाँ इनको ना खोल के मैं ना फिर आपको दिखाती हूँ जी बेटा। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा जिंदगी है, वन टू थ्री थ्री मेरा कभी भी नहीं होना, हाँ जी आई डोंट, ये देखें वन टू और ये हमने उल्टा खोला है, जी जी जी, अब फोक फोक कर रही है, ये ले भाई फोक करें, ये ने फोक फोक ये रहा फोक, चलो वन टू थ्री रेडी गो, चलो फोक करेंगे हमारा काम हो गया, वन टू थ्री स्टार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू मैजा है ना मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही है, आ जाओ पुप्पो के पास आओ, चलती आओ आ जाओ, ये मेहंदी का थाल लेकर ये मैजा आएगी, इसने पूरी प्रैक्टिस हमसे करा रही है कि स्नो आई है तो स्नो कैसे फोड़ करनी है और पार्टी पोपर कैसे फोड़ने है और मेहंदी का थाल भी इसी ने उठाना है, सारे किरदार इसके हैं, सारा कुछ इसी ने करना है, आ जाओ इसे उठा के लाओ, वॉक अच्छा फोक हुई है ना इसलिए, और वॉक करती आओ, वॉक करके आओ, मेहंदी ताजदी हैप्पी टू पुप्पो की मेहंदी, ऊपर करो ऊपर करो, हाँ आजो 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 मेहंदी, ये फोग वॉक 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 मेहंदी की पूरी वॉक, यस चीज ये मेहंदी का थाल दिखाना मुझे, पुप्पो की मेहंदी, मेहंदी का ये थाल आया खड़ा है, स्टिक क्या ये यूं पकड़ के मैजा आएगी ना, अच्छा अच्छा स्टिक के साथ है, हाँ, अच्छा इस दफा चेंज हो गया ये ऐसे, हाँ पुप्पो का थाल ये उठाएगी, उसने उठाना नहीं थाल, ये यूं पकड़ के स्टिक कर करके वॉक करेगी, अच्छा ये वॉक के लिए होता है मुझे नहीं पता था, अच्छा जबरदस्त ऐसे करना है, वाह ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, इसके तो हम दोबारा ही मैं देखती हूँ ना, छोड़ जाए कपड़े आ गए हैं, ये देखें
शॉपिंग सबकी माशाल्लाह हो रही है और बच्चों के कपड़े और हंगामा ही हंगामा। सारे है ना बाजार गए हुए थे तो अब बाजार से सारे हैं, सबको भूख लगी हुई थी तो आलू चिकन बनाया था दोपहर को। आपको पता शादी वाला घर है ना, बहुत सारे एक खाना पे इकट्ठा सुबह बना लिया था सब। ये देखे माशाल्लाह ये आलू चिकन गरम कर रही हूँ मैं, और मासी से सारी रोटियां बनवा ली थी क्योंकि हर बंदा बच्चे छोटे छोटे हैं भाभियों के, मेरी आई साइड का थोड़ा मसला है तो फिर इस तरह मिलजुल के मासी शासी घर। ये देखे यही तो रोटियां हाट पाट में है, अब इस सबको लेके जाऊंगी। आपको महसूस होता होगा कि किचन की लाइट हल्की है, इस वजह से वीडियो भी हल्की आती है किचन में, किचन की लाइट चेंज होने वाली है। ये अम्बल तास है और गला खराब हो तो अम्बल तास को जला के इसका काढ़ा बनाते हैं। ये भी बस ये हम हाई काढ़ा बन रहा है, काढ़ा बना रही है क्योंकि ऐसा ये है ना, हम काढ़ा बना रहे हैं अम्बल तास को, जो था ना ये डंडा इसको तोड़ के इसकी टिकियां निकाली हैं और डाली हैं, और गुल बिनफ्शा होता है ये पत्ते शत्ते, और इसमें सूखे वाले सूडे सारा डाल के पानी में को बॉयल आयर कर सारे घर वालों को पिला रहे हैं क्योंकि शादी के दिन है वो सबके गले खराब हो गए, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है सबको। अब ये बन ये सबको देती हूँ।